हिसार से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह ने हांसी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। कवारे गांव पहुंचे ब्रिजेंद्र सिंह विरोधी दलों पर जमकर बरसे। ब्रिजेंद्र सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए सवाल किया कि आप अगले 5 साल देश की बागडोर उस पार्टी को सौंपने का काम करेंगे जिसका देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बज रहा है, या फिर उन पार्टियों के समूह को सौंपने का काम करेंगे जिसका राज्य से बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रिजेंद्र सिंह ने प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि हाल ही में बनी पार्टी को ही देख लो, जिसने पद के लालच में एक सशक्त पार्टी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और उस पार्टी को 3 सीटें देने का काम किया, जिसके प्रदेश में 3 सरपंच तक नहीं बन सकते। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दो, समझौता करना शुरू कर दो, तो इस किसी भी देश के लिए ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। मतलब 35 साल से आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया हमारी बम मरोड़ देती है, कोई हमें हम कुछ करना चाहे हमें रोक लेते हैं, और दुनिया नहीं रोकती। हमारे अंदर खुद के अंदर एक झिझक थी, एक संकोच था हमेशा से कि अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इस तरह की मतलब राजनीतिक बातें ऐसी चीज में आ जाती थी जिसमें नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे वो होते हैं जिसमें राजनीति को बिल्कुल उससे कोसों दूर रखना चाहिए। वो फैसला जो प्रोफेशनल हमारी फौजें हैं उसके हाथ में रहना चाहिए, जिसका निर्धारण जो 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 उस दिन का जो प्रधानमंत्री है वो करता है कि किस प्रकार से हमारी फौज जो है उसको कितनी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, कितनी छूट उनको दी जानी चाहिए, और ताकि वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कर सकें जो एक उनको प्रोफेशनल हिसाब से करनी चाहिए। सो ये इस तरह का माहौल था। और पिछले 5 साल में आपने फिर देखा कि मोदी जी जब से आए हैं तो ये कोई लचर रवैया उन्होंने नहीं रखा। सीधी स्पष्ट नीति के तहत जितने भी हमारी जो देश को तकलीफ पहुंचाने वाली ताकतें थी, चाहे देश के बाहर की थी या देश के अंदर की थी, इन सब को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और एक उदाहरण ये बना के छोड़ दिया गया है कि यदि आप हमको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, तो हम आपको उसका भरपूर जवाब देंगे। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ये जो इतनी बड़ी फौज बना रखी है, इतना बहादुर जो हमारा सिपाही है, जवान है, वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं है कि मतलब वहाँ पे बॉर्डर पे या कश्मीर में जाए और उसके उस पर पत्थर चलते रहे और वो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे या उसके हाथ आप पीछे बांध के छोड़ दो। तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी जो मोदी जी ने बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको दिखाई, आप सब उसके गवाह हैं। आप सिर्फ इस सरकार को पिछले 10 साल से मुकाबला करके देख लो। इसका मतलब प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं तो साफ हूँ लेकिन मेरे ये जो गठबंधन वाले मंत्री हैं ये बदमाशी कर रहे हैं, मेरा इन पर जोर नहीं चलता। अरे जोर नहीं चलता, घर बैठ जाओ और किसी ने दे दे, क्यों इतना चिपट के बैठा है इस कुर्सी के। लेकिन चलो, एक व्यवस्था थी उसके तहत उन्होंने सरकार चलाई और पूरे दिन वो 10 साल ऐसे थे, मैं क्योंकि नौकरी में उन्हीं 10 सालों में था, मतलब समाज में ऐसी भावना आनी शुरू हो गई थी जैसे तो हम सामाजिक तौर पर भ्रष्ट हैं सारे के सारे। आज चुनाव आपने इस बात का करना है कि अगले 5 साल बागडोर किसको सौंपोगे। क्या आप ये बागडोर एक ऐसी पार्टी को सोचोगे जो पूरे देश में इसकी मौजूदगी है, पूरे देश में प्रभाव है? ये बागडोर ऐसे नेता के हाथ में सोचोगे जो बिल्कुल एक मुश्त उस पार्टी का नेता है और आज के दिन देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान यदि किसी व्यक्ति का है उसका है और इसका दुनिया में आज के दिन डंका बज रहा है? या आप एक ऐसे क्या बोलूं पार्टियों के समूह को वोट देना चाहोगे जिनकी अपने राज्य से बाहर, अपनी स्टेट से बाहर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? हमारे वालों को ये देख लो, यहाँ पे ये जो दल नया नया बना है अपनी अपनी पुरानी पैतृक पार्टी को तोड़ के, इनकी ताकत का आप अंदाजा लगा लो। इन्होंने 6 महीने पहले जब ये कार्रवाई की सारी जो कहा कि इतनी जल्दी लग रही थी कुर्सी हथियाना की, महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी ना, घर परिवार का लिहाज किया और एक बड़ी सशक्त पार्टी को बिल्कुल घुटनों पर ले आए। और 6 महीने में स्थिति क्या है, जब कैंडिडेट ढूंढने की बात आई इनको 10 आदमी तो ही नहीं मिले पूरे स्टेट में जिनको खड़ा कर सके। एक ऐसी पार्टी के साथ समझौता करके 3 सीट दी है जिनके 3 सरपंच इस प्रदेश में नहीं बन सकते, उनको 3 लोकसभा की सीट दी है लड़ने के लिए। तो इनका जो दिवालियापन है पार्टी के नाते वो आप देख सकते हो, आपके सामने है। एक अपनी जमीन तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो उनकी जो पैतृक पार्टी थी जहाँ से वो टूट के निकले थे कि किसी तरह से उसको काबू कर लें ताकि आने वाले टाइम में उनकी राजनीति जो है वो उस हिसाब से सार्थक होकर और उनका काम चलता रहे।